श्री राधे, जय श्री राधे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में नवधा भक्ति का निरूपण किया। भक्ति के नौ प्रकार श्री प्रहलाद जी ने बताए। श्रवणम प्रथम, श्री ठाकुर जी की लीला कथा नाम श्रवण करना, उनको सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, विष्णोः कीर्तनम, विष्णोः श्रवणम, यानी प्रभु का नाम संकीर्तन करना, उनका नाम लीला कथा आदि श्रवण करना, विष्णोः स्मरणम, जो विष्णोः पद है यहाँ पर वो सभी के साथ में उसका अन्वय है, श्रवण के साथ में भी, कीर्तन के साथ में भी, स्मरण के साथ में भी। षष्ठ्यंत पद है विष्णोः, तो विष्णोः श्रवणम, प्रभु की लीला कथाओं को श्रवण करना। द्वितीय प्रकार विष्णोः कीर्तनम, प्रभु का नाम संकीर्तन करना, कथा कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना। तृतीय अंग है विष्णोः स्मरणम, उनका स्मरण वाणी से नाम गुण संकीर्तन कर रहे हैं, कानों से उनकी पावन कथा श्रवण कर रहे हैं और मन से स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो विष्णोः स्मरणम तृतीय पद हुआ। चतुर्थ पाद सेवनम, विष्णोः पाद सेवनम, प्रभु के चरणों की सेवा करना। तो साक्षात रूप में हरि आरंभ की अवस्था में साधक को अनुभव ना हो गए तो ये तो दुष्कर हो गया। तो पाद सेवनम से तात्पर्य भक्ति के अन्य उपांग हैं उनका ग्रहण किया गया। पाद शब्द से आदर, श्रद्धा, भाव लिए गए। जैसे श्री विष्णु पाद, श्री प्रभु पाद, ये आदरार्थक यहाँ पर पाद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आदर से, प्रेम से, श्रद्धातिशय से उनका सेवन, सेवा करना, तीर्थाटन करना, श्री विग्रह के दर्शन करना, ये पाद सेवनम के अंतर्गत आते हैं। तो विष्णोः पाद सेवनम पंचम अंग है विष्णोः अर्चनम, प्रभु की अर्चना करना, विविध प्रकार की उपचार सामग्रियों से अपने यहाँ अर्चा विग्रह की स्थापना करके और बड़े लाड़ प्यार से उनकी अर्चना करना, उन
उनकी पूजा करना, यानी घर में श्री ठाकुर जी की मूर्ति पधरा करके, और वह घर हमारा नहीं, श्री ठाकुर जी का भवन है और हम श्री ठाकुर जी के सेवक हैं, दास हैं। तो जैसे सेवक अपने स्वामी की अर्चना में तत्पर रहता है, ऐसे श्री ठाकुर जी की अर्चना करना विविध प्रकार की उपचार सामग्रियों से। अर्चन दो प्रकार का बताया गया, बाह्य और मानस। यदि बाह्य उपचार सामग्रियां उपलब्ध हैं तो मुक्त हस्त होकर के उदारता पूर्वक उनका प्रयोग करना चाहिए श्री ठाकुर जी की सेवा में। यदि बाह्य उपचार नहीं हो पा रहे हैं तो किसी से याचना आदि करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं बैठ करके और मन से विविध प्रकार की उपचार सामग्रियों को ठाकुर को समर्पित करें। तो वैष्णव धर्म मन से भी सिद्ध हो जाता है। उपचार सामग्रियों का अभाव है तो मन से वही विविध प्रकार की उपचार सामग्रियां, और मन से जैसी उत्तमोत्तम उपचार सामग्रियां हम ठाकुर को भेंट करेंगे, वैसी तो प्रत्यक्ष में हूँ ना कर सकें। तो बाह्य और मानस दो प्रकार का अर्चन हुआ। तो विष्णोः अर्चनम्, विष्णोः पद का अन्वय सर्वत्र है। विष्णोः श्रवणम्, विष्णोः कीर्तनम्, विष्णोः स्मरणम्, विष्णोः पाद सेवनम्, विष्णोः अर्चनम्, विष्णोः वंदनम्, प्रभु को वंदन करना, प्रणाम करना, यह भी नवदा भक्ति के अंतर्गत ही आता है। दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम्, दास्य से तात्पर्य है जैसे दास भृत्य सेवक अपने स्वामी के निमित्त कार्य करता है, स्वामी की प्रसन्नता ही उसका अभीष्ट होती है और स्वामी की परिचर्या ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, हम उनके भृत्य हैं, दास हैं। दास्यम सर्वकर्मार्पणम तत्कैंकर्यम अपि, श्री रूप गोस्वामी जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, दास्य से तात्पर्य है सर्वकर्मार्पणम, जो कुछ कर रहे हैं अपने स्वामी के निमित्त, अपने आराध्य के निमित्त। और तस्य कैंकर्यम अपि, कैंकर यानी दास्य भाव से युक्त हो करके ठाकुर के निमित्त उनको अपना स्वामी समझ करके हम सदा सर्वदा से उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, श्री नारायण भट्ट जी का पद है। सदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म जन्म घर जाए चाकर, हम सदा सर्वदा से उनके अधिकार सिद्ध हम चाकर हैं, हम उनके सेवक हैं। और वो हमारे कैसे स्वामी हैं, भूल परे परे हरे न कबहूँ सबही भांति दया के आकर। हम तो ऐसे मूढ़ सेवक हैं कि सेवा धर्म को जाने भी ना, सेवा कैसे करी जाए, सेवा धर्म कहाँ होवे, दिन रात गलतियां करते रहवे, दिन रात भूल करते रहवे, दिन रात स्वामी की अवज्ञा करते रहवे। लेकिन हमारे स्वामी इतने दयालु हैं, इतने करुणा संपन्न हैं कि भूल परें परे हरें न कबहूँ
सब ही भांति दया के आकर, भूल भी कभी हो जाती है तो वह त्यागते नहीं है अपने सेवक को, अथवा उसको डांटते फटकारते नहीं है। सब ही भांति दया के आकर, वह दया के आकर माने खदान, खजानों, भंडार, दया के अगाध सागर हैं। कभी अपने सेवक का वह परित्याग नहीं करते। यह ठाकुर की एक कमजोरी है। भगवान सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वह कुछ भी कर सकते हैं। अघटन घटना पटीयसी उनकी माया शक्ति है, उससे जो बातें हम सोच भी नहीं सकते ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, ऐसे कार्य भी संपन्न कर सकें। मार्कंडेय जी ने माया दर्शन की इच्छा प्रकट की तो अपनी कुटिया में बैठ करके प्रभु से प्रार्थना किए, माया दर्शन की अभिलाषा के, माया शक्ति आपकी कैसी है, उस माया शक्ति को देखना चाहते हैं, कैसी प्रबलता है उसकी। तो वाई क्षण जो दुर्घट अघटन घटना पटी ऐसी, यानी जिन घटनाओं की हम कल्पना नहीं कर सकें, वाई समय मार्कंडेय जी के समक्ष प्रलय को दृश्य उपस्थित है गयो। और प्रलय के जल में सैकड़ों वर्षों तक डूबते उछरते रहे, कई ब्रह्मांडों का दर्शन किया, कई ब्रह्मांडों का दर्शन किया, ठाकुर के उदर में चले गए और सैकड़ों हजारों वर्षों के पश्चात पुनः जब ठाकुर जी ने वो माया को त्रोहित कियो तो पुनः उन्होंने अपने को उसी अवस्था में पाया। देख रहे हैं कि कुटिया में जो हवन की आहुति वो डाल रहे थे तो प्रथम आहुति डाल चुके थे और द्वितीय आहुति डाल रहे हैं, यानी इतना बड़ा काल, इतना बड़ा समय व्यतीत हो गया ये अघटन घटना पटी से। ब्रह्म मोह लीला, ठाकुर अपने ब्रजवासी बालकों के साथ में, ब्रजवासी ग्वालवाल सखाओं के साथ में छाक लीला कर रहे हैं। अघासुर का वध हो गया, अघासुर से सभी ग्वालवाल सखाओं की रक्षा की और अत्र भोक्तव्यम अस्माभि दिवारूढ़ क्षुदार्तिता वत्सा समीपे पह पीत्वा सनकै तृणम, दसवें स्कंद के 12वें अध्याय में जमुना जी के पावन पुलिन पर सभी सखा आए, श्याम सुंदर आए। श्याम सुंदर ने कही, अरे भैया देखो दिन चढ़तो जा रहो है और बड़ी जोर की भूख लगी है, देखो श्री जमुना जी को कैसो पावन पुलिन है, बढ़िया सुंदर सुंदर कोमल बालू का है, या बालू पे बैठ के और यहीं हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, समीप में हरी हरी दूर्वा है, हमारे बछड़ा जब तक हरी हरी दूर्वा चरेंगे। अत्र भोक्तव्यम अस्माभि, सुंदर स्वच्छ जल है जमुना जी का, तो ठाकुर वहाँ प्रसाद पावे लग गए सभी ब्रजवासी बालकों के साथ में। चारों ओर से ब्रजवासी बालक, सभी सखा ठाकुर के चारों ओर पंक्ति बना करके बैठे हैं, मध्य में श्याम सुंदर बैठे भए हैं। अब तो छाक लीला आरंभ भई, तो कोई ऐसे नहीं कि मौन है के भोजन कर रहे हैं अथवा वेद मंत्रोच्चारण करके भोजन कर रहे हैं। हसंतः हासयंतश्च नर्म भी, हसंतः माने हंस रहे हैं, कहते कहते हंस रहे हैं। हासयंतश्च नर्म भी, नर्म भी यानी परिहास सूचक वाक्य, परस्पर में परिहास कर रहे हैं, एक दूसरे को हंसा रहे हैं। एक सखा ने कहा कि यो
पाके घर से कढ़ी आई हती, तो कढ़ी में पकौड़ी होवे, तो अब पकौड़ी के जैसे ही एक पुष्प लेके वाने और कढ़ी में भिगो दियो, और कढ़ी में भिगो के और अपने मित्र को दियो, देख मित्र कितनी सुंदर पकौड़ी है। तो ऊपर से तो वह कढ़ी में भींगा हुआ जो पुष्प था वो पकौड़ी की तरह लगा, और उसने जैसे ही खाया तो मुंह में कड़वा कड़वा, अरे राम राम क्या दे दिया तूने। अब वो मुंह बनाने लग गया तो सब ताली बजा बजा करके हंस रहे हैं। तो असंतः हासयंतश्च विविध प्रकार से परिहास कर रहे हैं। और श्याम सुंदर ने तो एक और नई लीला आरंभ कर दी, एक दूसरे के हाथ से जूठो कौर छुड़ावे लग गए। श्याम सुंदर ने देखी मधुमंगल के हाथ में सुंदर लड्डू लगा भयो है, और मधुमंगल ने वह खा लियो, तो श्याम सुंदर मांग में लग गए, भैया बताइयो कैसो लड्डू आए तेरे यहाँ से आयो है। ग्वालन कर से कौर छुड़ावत, जूठो लेत सवन के मुख से कहत मोय अति भावत। सटरस के पकवान धरे सब तिन में रुच नहीं आवत, हा हा कर कर मांग लेत है नहीं देते हैं तो हा हा खा करके, अरे भैया नेक दे दे भाई, ऐसी कंजूसी क्यों करे, अरे जहां में से नेक दे दे, नेक ही अपना झूठो दे दे भाई। झूठो लेत सवन के मुख से झूठा ले ले करके अपने मुख में लावत, हा हा कर कर मांग लेत है कहत मोहे अति भावत। और कोई नहीं देना चाहे तो हा हा खाए के बोले भैया नेक तो दे दे यहां में से। तो ऐसो झूठो मीठो सबन को खा रहे, ब्रह्मा बाबा वहां से आए, तो ब्रह्मा बाबा ने ये लीला देखी तो ब्रह्मा बाबा तो चक्कर में पड़ गए कि कैसो भगवान है भैया, सबन से मांग मांग के सबन को झूठो खाए रहो है, ये भगवान है भी के ना है, परीक्षा लेनी चाहिए। और जाऊ मैं ठाकुर जी की लीला देखो, ब्रह्मा जी कोई सामान्य जीव तो है ना है। ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, और ब्रह्मादि देवता ने सवन आके स्तुति करी हती गर्भ में, तो सब जाने के हैं ठाकुर जी हैं, सब जाने हैं भगवान हैं, लेकिन ठाकुर जी एक नई लीला को विस्तार करना चाह रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि यो ब्रह्मा जी को जो ज्ञान हो ज्ञान को अपहरण कर लियो, क्योंकि चोर कार्य में तो ये प्रसिद्ध है ही है, चोर जार शिखा मणि, ये सबसे उत्कृष्ट कोटि के चोर हैं, सबसे प्रथम नंबर है इनका चोरी में, चीर चोर, माखन चोर, नवनीत चोर, और इन्हीं के साथ में एक नाम यह भी इनका ज्ञान चोर, ज्ञान को भी चुरा लेते हैं। मैया यशोदा ने कही लाला तेने माटी खाई, कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रह, वदंत तावका हिस्ते, हे अदांतात्मन, यह संबोधन ठाकुर को कहीं ना मिलो होगा जो ब्रज में मिलो, अरे चटोरे अदांतात्मन भवान भक्षितवान रह, एकांत में तेने माटी खाई ना मैया, मैंने तो माटी ना खाई, संकेत कर दियो, बोल तो सके ना क्योंकि मुंह में भरी पड़ी है, जब तक सनई सनी वो गल रही है एकदम अंदर चली जाएगी तब पीछे कछु बोलेंगे, अभी बोलेंगे तो मैया देख लेगी माटी है। तो मैया कह रही है कस्मान अदांतात्मन, अरे चटोरे तेरी जीव तेरे बस में ना है, अदांतात्मन रह भगवान भक्षित, एकांत में तेने मिट्टी खाई, संकेत कर दियो नहीं, बोले बदंत तावका हेते, ये ग्वाल वाल तेरे ही सखा हैं, तेरे साथ में ही खेलें कूदें, ये तावका हेते बदंत, ये सबरे कह रहे हैं कि तेने माटी खाई। कन्हैया बोले मैया देख ये सबरे ने आज ठान ली है, वो सबन ने विचार बना लियो कि आज कन्हैया की पिटाई लगवाएंगे, इसलिए सब ऐसा बनाए के और तो उसे झूठ मूठ कह रहे हैं। बोले अच्छा ग्वालवाल झूठ कह रहे हैं,
तो कुमारास्ते अग्रजः अपि अयम्। ये दाऊ तो तेरा बड़ा भैया है, ये दाऊ भी झूठ बोले। दाऊ भी कह रहा है कि तूने माटी खाई है, अब तो पकड़े गए, कहा करें। इतने में तो महाराज वो माटी घुल गई, अंदर चली गई, अब मुंह में कहा रहो। तो बेधड़क होकर बोले, मैया तो विश्वास ना है रहो तो समक्षम पश्य मे मुखम, ले मेरा मुंह तेरे सामने, मेरे मुंह में खोल के देख ले। अच्छा मुंह खोल, मुंह मुंह खोला तो वहां में टेलीविजन आरंभ है गई। सबरे जितने भी पहाड़ पर्वत नदियां सब वहां में मुंह में दिखाई देवे लग गए। अब मैया को तो बड़ा आश्चर्य हो, अरे भैया छोरा के मुंह में ये कहा बला घुस गई, ये मैं कहा देख रही हूँ, कहीं सपनों देख रही हूँ या मेरी आँख इनको भ्रम ही है। ये सब वन वाटिका पर्वत ये सब पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष दिखाई दे रहा है, माथुर मंडल दिखाई दे रहा है, गोकुल दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड घाट, और यहाँ तक नंद भवन, और नंद भवन में स्वयं मैया अपने को भी देख रही है मुंह में। अब तो मैया चक्कर में पड़ गई, होका रहो किम स्वप्न आहो स्वित देव माया, ये मैं सपना देख रही हूं या किसी देव की ये माया है। तो मैया को ज्ञान हो गया, मैया समझ गई ये कोई साधारण ना है, ये साक्षात भगवान है, ऐश्वर्यमय लीला ठाकुर ने दिखा दी। मैया समझ गई कि भगवान यानी भगवत स्वरूप को जो ज्ञान है गयो, कि ऐश्वर्य को ज्ञान है गयो कि यह भगवान है। अब भगवान ने सोची मैया को ऐश्वर्य को ज्ञान है गयो, तो ऐश्वर्य तो माधुर्य को बाधक है, फिर माधुर्य रस को आस्वादन में नहीं ले पाऊंगो, फिर वात्सल्य रस को स्वाद मोकू नहीं मिल पावेगो। क्योंकि जब ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाएगा, मैया ये समझ जाएगी कि यह त्रैलोक्याधिपति सर्वेश्वर परमात्मा है, तो फिर मैया मुकुं डांटेगी ना, मुकुं फटकारेगी ना। तो माता के जो वात्सल्य रस का मैं आस्वादन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो वो तो मुकुं मिलेगा ही ना। तो भगवान ने कहा कि ओ इत्थं विदित तत्वायाम गोपिकायाम से ईश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम, इत्थं विदित तत्वायाम, मैया समझ गई थी तत्व को, यानी उनके ऐश्वर्यमय स्वरूप को समझ गई थी। इत्थं विदित तत्वायाम गोपिकायाम से ईश्वर, तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम, वैष्णवी माया का विस्तार कर दिया, यानी वैष्णवी माया से तात्पर्य मैया को जो यह ज्ञान हुआ इस ज्ञान की चोरी कर ली। मैया को जो ऐश्वर्य ज्ञान हुआ, विदित तत्वा हो गई थी, तत्व ठाकुर के ऐश्वर्यमय स्वरूप का ज्ञान हो गया था, तो वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम निज जन मोहिनीम, वैष्णवी माया का विस्तार करके और उस ज्ञान को अपहरण कर लियो। अब मुंह बंद कियो, जैसे ही वह ज्ञान की चोरी करी यानी वैष्णवी माया का विस्तार किया, तो मैया ने कहा, इधर ठाकुर ने मुंह बंद कर लियो। मैया ने कि अरे लाला ही मुकू अभी अभी मैंने कछु देखो, ये सांची बात है कि कछु सपनो। अरे मैया तेने कहा देखो, बोले तेरे मुंह में मैंने सब ये वन पर्वत वाटिका सब कछु देखे। और ये मैया कैसी बात करे, तेरे बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी। अब विचार कर मेरा छोटो सो मुंह और जहां में पर्वत नदी कैसे घुस जाएंगे, चल आंख धोके आ फिर देखियो। अच्छा लाला फिर देखो, मैया ने तो मुंह में कछु ना है। अरे लाला तू सांची कहवे, ये बुढ़ापे में कई तरह की बीमारी आ जावे, बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई जावे कभी कभी। तो इत्थं विदित तत्वायाम, तो कहने को तात्पर्य ये केवल माखन की ही चोरी ना करें, केवल वस्त्रन की ही चोरी ना करें, ये ज्ञान की भी चोरी कर लेवे। तो ब्रह्मा बाबा का ज्ञान नई लीला को विस्तार करवो चाह रहे हैं,
तो सब जूठा मीठा सब सखाओं का खा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा का ज्ञान नई लीला के विस्तार के लिए इन्होंने हरण कर लियो, तो ब्रह्मा बाबा चक्कर खा गए, ये भाई भगवान है भी कि ना है, परीक्षा लेनी चाहिए। तो उधर बछड़ा चरते हुए आगे पहुंच गए, तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, ले गए बछड़ों को। एक सूरदास जी को पदवी प्राप्त हुआ, या जग में देखे सब चोर, बोले जितने सब चोर है देखो ब्रह्म वचनन की चोरी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वचनन की चोरी करके ले गए। अब इधर सखाओं ने देखा कि बछड़ा दिखाई ना दे रहे, भाई कन्हैया कन्हैया ने कि तुम चिंता मत करो, तुम भोजन पाओ, मैं बछड़न ने देख के लाऊं। तो बछड़न ने देख भी गए, इधर ब्रह्मा बाबा ग्वालन ने उठा ले गए और उधर योग निद्रा में सुला दिए। अब ठाकुर इधर आए, देखा तो ब्रह्मा की सबरी करतूत समझ गए। तो ठाकुर जी ने भी अपनी लीला को विस्तार कियो और जितने सखा थे जितने ग्वाल बाल थे, यावद वत्सक वत्स पाल कवपुर यावद करांग्रियादिकम, जैसे जितने ग्वाल वाल थे जितने बछड़े थे, जैसा जिसका स्वभाव था, जैसी जिसकी चाल थी, जैसे वस्त्र थे, करांग्रियादिकम यहाँ तक कि जैसा जिसका हाथ था, अंग्री माने जैसे जिसके चरण थे, बिल्कुल वही स्वरूप बना लिए। उतने ही स्वरूप में हमें ठाकुर प्रकट हो गए। और यह लीला मानवीय इस कालचक्र के अनुसार 1 वर्ष तक यह लीला चलती रही। ब्रह्मा जी के यहाँ का एक त्रुटि समय व्यतीत हुआ। इधर ब्रह्मा बाबा लौट कर के आए, देखे तो वही ब्रजवासी उसी प्रकार से वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं श्याम सुंदर के साथ में। ब्रह्मा जी का मोह भग्न हुआ। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति की और ग्वाल वालों को यथावत ब्रज में लाए। तो 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और इधर जब ग्वाल वालों को पुनः ब्रज में लाए तो ग्वाल वाल अपने को किस स्थिति में देख रहे हैं? कन्हैया लौट करके आ रहे हैं, बछड़न ने देख करके बछड़न को लेते हुए आ रहे हैं और ग्वाल वाल कह रहे हैं, अरे कन्हैया तू बड़ी जल्दी आ गो भैया, अभी हमने तो दूसरों ग्रास ही लियो तेरे जाने के बाद में, पहलो कौर तोड़ो और अभी तो दूसरों ही कौर तोड़ो, इतने में तू आ भी गयो। यानी यह अघटन घटना पटी ऐसी। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और ग्वाल वालों को लगा कि अभी हमने दूसरा ही कौर तोड़ा है, इतनी में श्याम सुंदर आ गए। इतना बड़ा काल व्यतीत हो गया। और तो ऐसी भगवान की यह शक्ति, तो कहने को तात्पर्य वह अघटन घटना पटे ऐसी, यानी जिन घटनाओं का हम चिंतन तक नहीं कर सकते, जिनको समय तक नहीं सकते, ऐसी ऐसी लीलाएं करने में भी वह समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो जो सर्वसमर्थ है सर्वशक्तिमान है, उन ठाकुर की भी एक कमजोरी है, उनकी एक कमजोरी है। उनकी कमजोरी क्या है? उनकी कमजोरी है वह शरणागत का परित्याग नहीं कर सकते, शरणागत का त्याग नहीं कर सकते। मेरे तो गिरधर गोपाल दू शरों न कोई, जिसने यह कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई ने कहा तो ठाकुर सिद्ध हो गए, हाँ अभी कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, और जैसे ही कहा दू सरों न कोई, ठाकुर सदा सर्वदा के लिए उनके हो गए। कुंती मैया स्तुति में कहती हैं, तो यही बनाते न मुहुर विपद गणात, खलेन कंसेन यथा रुद्धा तिचरम। कुंती मैया कहती हैं, कन्हैया वस्तुतः देखो जाए तो तू अपनी मैया से भी ज्यादा मुकुम प्यार करे,
कैसे मैया, आपने कैसे समझी बुआ जी कि मैं अपनी मैया से ज़्यादा प्यार करूं? बोले देखो, आपने अपनी मैया की तो एक बार रक्षा करी, कारागृह में बंद थी। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरम सुचारपिता त्वयैव विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर विपद गणात। हे ऋषिकेश, देवकी मैया को आपने एक बार कारागार से छुड़ाओ और वह भी कई वर्षों से कारागार में बंद थी। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अतिचिरम, बहुत समय तक कारागार में रही सुचार पिता। और ये श्याम सुंदर, आपने देवकी की रक्षा की लेकिन देवकी पुत्रों की रक्षा नहीं की। लेकिन सहात्मजा च विभो विमोचिताहम च सहात्मजा विभो, अहम माने मैं तो, विमोचिता माने मुक्त, मुझे कितनी बार मेरी आपने रक्षा की, और मेरी अकेली की नहीं, सहात्मजा मेरे बेटों की भी मेरे साथ रक्षा की। देवकी मैया की आपने रक्षा की लेकिन देवकी पुत्रों की रक्षा आपने नहीं की। मैया के सामने ही 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे। तो यहाँ से यह प्रकट हो गया, आप अपनी नातेदारी में जो मैया लगे वह मैया से ज्यादा आप अपने भक्त को चाहो। सहात्मजा विभो विमोचिता हम सहात्मजा विभो और त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात। विपद गणात यानी एक विपत्ति से नहीं, विपत्तियों के बड़े बड़े समूह, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई। अग्रिम श्लोक में कुंती माता स्मरण कराती हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्। तो आपने ही हमको उन विपत्तियों से मुक्त किया, बार बार बचाया। त्वयैव नाथेन यानी आप ही एकमात्र हमारे नाथ थे, आपके अतिरिक्त तो और कोई हमारा परित्राण करने वाला, हमारा रक्षण करने वाला नहीं था। त्वयैव नाथेन, आप ही एकमात्र हमारे नाथ थे। तो ऐसो भाव जहां आ जाए, ऐसो शरणागति को भाव जहां आ जाए, तो ठाकुर बा को परित्याग ना कर सकें। त्वयैव नाथेन, एवकार और लगा दिया, आप ही एकमात्र हमारे स्वामी थे, आप ही एकमात्र हमारे नाथ थे, और आप ही एकमात्र हमारे नाथ हैं, स्वामी हैं। यह अनन्याश्रय जो ठाकुर का है, अन्याश्रय का परित्याग करके और अनन्य भाव से जो ठाकुर की शरणागति स्वीकार करे वो है, तो ठाकुर ऐसे शरणागत भक्त को परित्याग नहीं कर सके। तो यह ठाकुर की कमजोरी है, अन्याश्रय ठाकुर को ना सुहावे। यहाँ तक कि ब्रजवासियों से अधिक प्रिय और ठाकुर का कौन होगा? तो इंद्र आदि का पूजन जो छुड़ाया, उसमें संतों ने, आचार्यों ने दो रहस्य बताए। एक तो इंद्र का दर्प दमन करना था और दूसरा ब्रजवासियों का अन्याश्रय छुड़ाना था, क्योंकि अन्याश्रय स्वीकार नहीं है। वार्ता जी में एक वार्ता आवे, एक वृद्धा मैया गोपाल जी की सेवा करती थी, वात्सल्य भाव से सेवा करती थी, गोपाल जी को अपना लाला मान करके सेवा करती कि मेरा छोटा सा लाला है, और प्रतिदिन गोपाल जी के सामने जाके कहती, भैया गोपाल मेरे तो केवल तू ही है और कोई ना या दुनिया में। तो गोपाल जी वो प्रकट है के चले आवते और कहते, मैया तू काई बात की चिंता मत करे, तू को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, मोकू बता। गोपाल जी प्रत्यक्ष है के और मैया के आतन से भोग आरोगते। वृद्धा मैया थी, मैया के पास में एक खेत था छोटा सा, गरीबनी मैया थी। अब समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं,
किसी की बेचारे के किसी को कमजोर देखा, गरीब देखा, तो उसको दबाने का प्रयत्न करते हैं सब तरह से। मैया के पास एक छोटा सा खेत था, तो अन्य जो दबंग लोग थे उन्होंने उस खेत को हड़पना चाहा। तो मैया ने सोची, अरे राम जी देखो तो एक खेत को टुकड़ा हो तो या से मैं जो कछु भी अन्न पानी आतो अपने गोपाल जी को भोग लगा देती, गोपाल जी की सेवा करवे लग जाती, और ये आतताई आयु को छिना रहे हैं ये गांव वाले जितने हैं। तो जब खेत को वह अपना अधिकार सिद्ध करवे लग गए तो अधिकारी लोगों का कोर्ट कचहरी पटवारी आदि को आनो जानो आरंभ है गयो। तो मैया तो कहीं किसी को जानती नहीं थी, तो पटवारी मैया के पास में आयो, गोपाल जी को विग्रह वहीं विराजमान हो, गोपाल जी की परिचर्या करके मैया आई और पूछताछ के लिए पटवारी आयो, तो मैया के मुंह से निकल गई, भैया पटवारी मेरो तेरे अलावा कोई ना या दुनिया में, देख तू चाहे तो या खेत बचा ले। अब गोपाल जी के सामने जो इतनी कही तो गोपाल जी तो रूस गए। ठीक है, पटवारी थे सहज में, मैया ने जैसे दुनिया में और तो कोई था नहीं, ना कोई भाई ना बंधु, केवल गोपाल जी की सेवा करती थी, तो वह पटवारी से गोपाल जी के सामने खड़े हैं के कह रही कि भैया पटवारी मेरे तो या दुनिया में कोई ना आए, तू चाहे तो या खेत बचा ले। तो पटवारी साहब अपनी कार्रवाई करके चले गए। अब इधर मैया गोपाल जी के लिए भोग लगावे के ताई आई, तो गोपाल जी वादना प्रकट है के भोग ना यार हो गए। अब मैया बड़ी दुखित, भई ऐसो का है गो लाला, कैसे रूस गो, क्यों नाराज है गयो? और गोपाल जी के सामने नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होवे लग गई, और वहीं गोपाल जी के सामने सिर रख के थोड़ी नींद को सो झपका आ गयो। तो गोपाल जी मन में प्रकट हुए, बोले मैया अब मोते कहा मतलब, तो तू तो वह पटवारी ते कह रही मेरे सामने कि तेरे अलावा मेरे कोई ना। अब मैया को भूल पता चली, अरे भैया गोपाल तू या बात को बुरो मत माने भाई, मैं क्षमा चाहूं और मेरा तो एकमात्र तू ही है, एकमात्र तू ही है। तो गोपाल जी पुनः प्रकट हो गए और वाई भाव से मैया की सेवा स्वीकार करवे लग गए। और गोपाल जी ने कही, मैया जो मेरो आश्रय लियो है तो तू विश्वास रख, ये ऐरे गरे तेरे खेते कैसे ले जाएंगे। तो गोपाल जी की कृपा से वो मैया को खेत सुरक्षित है गयो। तो कहने को तात्पर्य ये जो कुंती मैया ने कहा त्वयी बनाथे न, अथवा मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो यहाँ ये ठाकुर की एक कमजोरी आ जाती है। ऐसे जो शरणागत भक्त को, ऐसा जो शरण में आ गया उसका परित्याग नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, अघटन घटना पटी ऐसी उनकी शक्ति है, सर्व समर्थ हैं, ईश्वर हैं, लेकिन एक कमजोरी, शरणागत का परित्याग नहीं कर सकते। तो श्री नारायण भट्टी जी कहते हैं, जुगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म जन्म घर जाए चाकर, ये दुनियादारी के लोगों को यदि मालिक बनाओगे स्वामी बनाओगे तो नेक नेक में इनकी नाक फूल जाए, नेक नेक बातन में अपने सेवकन को छोड़ दें, उनका शोषण करने लग जाते हैं, उनका उत्पीड़न करने लग जाते हैं, उनका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारे ठाकुर हैं इनको यदि अपना स्वामी बना लेंगे तो जुगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म जन्म घर जाए चाकर, भूल परे पर हरे न कबहूँ सब ही भांति दया के आकर, दया के करुणा के आकर हैं, भंडार हैं, वह कभी अपने सेवक का परित्याग नहीं कर सकते, शरणागत का परित्याग नहीं कर सकते। सेवक के द्वारा एक छोटी सी भी कोई सेवा बन गई होगी तो उसको ठाकुर बहुत करके मानते हैं।
देखो हरि जी को एक स्वभाव, सूरदास जी कहते हैं, तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, और सकुच गिनत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। यह ठाकुर जी को स्वभाव वर्णन करें सूरदास जी कि तिनका सो अपने जन को गुण, अपने जन को यानी अपने भक्त को, अपने शरणागत को जो उनकी शरण में है, उनका सेवक है, तो अपने जन को तिनका सो गुण, एक तिनका सो यानी छोटा सो कोई काम कर दिया वाने, कोई थोड़ा सा गुण उसमें देख लिया, थोड़ी सी सेवा कर दई तो मानत मेरु समान, उसको सुमेरु पहाड़ के समान मान लेते हैं, कितना बड़ा कार्य किया। यहां तक किरणी हो जाते हैं, हनुमान जी महाराज से कहते हैं प्रभु प्रत्युपकार करो का तोरा, हनुमान तुमने ऐसा कार्य किया है, बताओ सिया जी की सुध लेकर के आयो, मैं तो सदा सर्वदा के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया। तो तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, और यदि कोई भयंकर अपराध भी बन जाए सेवक से भक्त से, तो सकुच गिनत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान, उस अपराध के सागर को बूंद की तरह मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है गयो, आगे संभल जाए वो। देखो हरिजू को एक स्वभाव, यह ठाकुर को स्वभाव है, यदि ठाकुर दोष देख भी लग जाए तो यह जीव को कभी कल्याण संभव है ही ना, क्योंकि जीव निर्दोष कभी हो ना सके। जीव स्वभाव तो दुष्टा दोष भावम नयंती, वल्लभाचार्य जी लिखते हैं सुबोधनी जी में, स्वाभाविक है, स्वभाव से ही दुष्ट हैं जीव। जीव स्वभाव तो दुष्टा, निर्दोष ही है ही ना पावे तो फिर ये मुक्त कैसे होगो। यदि भगवान या में दोष देख वे लग जाए तो ये निर्दोष होगो ना और या की मुक्ति होगी ना। तो यह ठाकुर का वैशिष्ट है। पूतना आई, पूतना में कहीं से कहीं गुण दिखाई दे रहा है, कहीं से कोई वैशिष्ट कोई गुण उसका दिखाई दे रहा है। सुखदेव जी वर्णन करें, पूतना लोक वालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयाप हर स्तनम दत्वाप सदगतिम, दसवें स्कंद के छठवें अध्याय में। पूतना कार्य क्या था, लोक वालग्नि बच्चों को मारती थी, और यहाँ मारवे की दृष्टि से ही आई अति। पूतना लोक वालग्नि, कुल खानदान अच्छा था क्या, बोले नहीं राक्षसी थी। चलो कुल खानदान अच्छा हो तो आप दया कर दें, बोले राक्षसी थी। खाती पीती क्या थी, फलाहार करती होगी इसलिए भगवान ने कृपा कर दी, बोले नहीं रुधिरासना, गरम गरम रुधिर पान करती थी। न नाम अच्छो, न काम अच्छो, न कुल खानदान अच्छो। पूतना आलोक वालग्नि राक्षसी खानदान की थी, रुधिरासना रुधिर पान करती थी, और यहाँ ठाकुर के समीप पे बोले कहू अच्छे भाव से आई होगी, बोले जिघांसया, जिघांसया माने हंतुम इच्छया, मारने की इच्छा से आई, कोई बढ़िया वस्तु लाई होगी ठाकुर जी को समर्पित करवे के लिए, बोले जहर लाई। तो अब ऐसे कोई करुणा को हेतु या में दिखाई दे रहा है, कोई दया को हेतु दिखाई दे रहा है, न नाम न काम न कुल खानदान और मारवे के भाव से आई है, लेकिन यह करुणा स्तनम दत्वाप सदगतिम, अंक में लिया और स्तन पान कराया, बस ठाकुर ने वही गुण ढूंढ लिया, किसी भी खानदान की हो, कुछ भी खाती पीती हो, कैसी भी हो, लेकिन एक काम तो जाने बिल्कुल जसोदा मैया की तरह की हो है, जैसे मैया गोद में लेवे ऐसे आने में गोद में ले हूं, जैसे मैया स्तन पान करावे ऐसे ही स्तन पान करा रही है, कैसी भी है भरी बोली, तो स्तनम दत्वा प्रसद गतिम, आपको मैया की गति दे दी। करुणा की दया की पराकाष्ठा, उद्धव जी इसी दया को स्मरण करते हैं तृतीय स्कंद में, ओ बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी,
लेवे गतिम धातृचताम कुतुन्यो कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। मारने की इच्छा से जो आई और जिसने कालकूट विष लगा रखा था अपने स्तनों में और तन पान कराया श्याम सुंदर को, और श्याम सुंदर ने वह को मैया की गति प्रदान कर दी। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, तो ऐसा दयालु देवता कौन होगा जिसकी शरण में हम जाएं। दया की पराकाष्ठा, करुणा की पराकाष्ठा, और यद्यपि अन्य सभी अवतारों में ठाकुर ने अपने 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 भक्तों पर करुणा की है, दया की है, लेकिन कृष्णावतार को तो शुभारंभ और अंत में श्री ठाकुर जी स्वधाम प्रस्थान किए, स्वधाम गमन किए। करुणा से ही आरंभ होता है और करुणा में ही उनका लीला का स्मरण होता है। कृष्ण लीला का आरंभ करुणा से और कृष्ण लीला का स्मरण भी करुणा में ही, और ऐसी करुणा यदि वहां कोई हेतु ढूंढोगे तो हेतु नहीं मिलेगा। जैसे क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोधी व्यक्ति को थोड़ा सा बहाना चाहिए, थोड़ा सा बहाना चाहिए बस, फिर वो अपना फड़फड़ाने लग जाता है। लोभी व्यक्ति को थोड़ा सा बहाना चाहिए, उसका लोभ प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही ठाकुर करुणा संपन्न है। कारण कह, जो भगवान के भक्ति रसामृत सिंधु में गुण बताए उनमें कारण कह यानी करुणा उनके स्वभाव में नित्य विद्यमान है। तो बस बहाना चाहिए। कृष्ण लीला का शुभारंभ होता है तो शुभारंभ काल में ही छठवें दिन ही पूतना आई थी, कोई गुण नहीं, कोई अच्छा व्यवहार नहीं, लो चलो मुक्त हो जाओ, माता की गति प्रदान कर दी। लीला के संवरण काल में प्रभासक क्षेत्र में ठाकुर जी विराजमान हैं, एक चरण पर द्वितीय चरण को स्थापित करके बैठे हैं। दूर से व्याध ने देखा, उस चरण तल की लालिमा को देख करके उस व्याध ने दूर से मृग मुख का अनुमान किया। उसको ऐसे लगा जैसे कोई मृग का मुख दिखाई दे रहा हो, और दूर से वाण का संधान किया, प्रभु के पाद तल में आकर के स्पर्श हुआ सुवाण का, आया आकर के देखा, घबरा गया। ठाकुर ने की चिंता मत करे, मेरी इच्छा से भयो है, उसको सदगति दे दी। लीला का आरंभ करुणा से और लीला का स्मरण भी करुणा में। तो ऐसे करुणा संपन्न श्री ठाकुर जी, श्री भट्ट जी कहवे कि ऐसे ठाकुर के हम सेवक, ऐसी ठाकुर की हम परिचर्या करें, जो भूल परे परे हरे न कबहूँ सब ही भांति दया के आकर। कतंचित सेवक से कोई त्रुटि बन जाए, कतंचित सेवक से कोई गलती बन जाए, तो ये दुनिया के जो स्वामी होवें ये तो सेवक को परित्याग कर दें, मारपीट करें, डांट फटकार करें और उसका उत्पीड़न करते हैं, उसको सताते हैं, लेकिन ये हमारे स्वामी ऐसे हैं कि भूल परे परे हरे न कबहूँ सब ही भांति दया के आकर। वह सब ही भांति माने जिस ओर से देखो, जिस पक्ष से देखो, जहां से देखो, दयामय करुणामय ही उनका स्वरूप मिलेगा। सब ही भांति दया के आकर वह अपने सेवक का परित्याग नहीं करते। जय श्री भट्ट प्रणतन पोषत परम सुधाकर, अपने प्रणत जनों का वह पोषण करते हैं, पालन करते हैं। तो यह जो दास्य भक्ति, ऐसा दास्य भाव ठाकुर के प्रति हो जाए, सर्व कर्मार्पण हो जाए, उनको अपना स्वामी मान लिया जाए, तो ठाकुर कभी अपने भक्त का परित्याग नहीं करते। सर्व समर्थ होते हुए भी यह उनकी कमजोरी है, वो शरणागत का परित्याग नहीं कर सकते। और उनको हमने स्वामी के रूप में अंगीकार कर लिया, उनकी सेवा परिचर्या में हम तत्पर हो गए, सर्व कर्मार्पण हमने कर दिया। जो दास्य भक्ति का श्री रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, दास्यम सर्व कर्मार्पणम कैंकर्यमपि। तो यह दास्य भक्ति का स्वरूप हो गया। और जब यह दास्य भक्ति सर्व कर्मार्पण हमने कर दिया, तो जो क्रियमाण कर्म है वह भक्ति के रूप में परिणित हो गया।
और वह भक्ति के रूप में परिणित हुआ, भक्ति प्रौढ़ावस्था को प्राप्त भई, तो अन्य जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म है उनका सहज में ही क्षय हो जाता है, सहज में ही वह भक्ति की शक्ति से क्षीण हो जाते हैं। अरे प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म तो क्या, मृत्यु भी दूर भागने लग जाती है। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर पियो जब दास कहायो। जब ठाकुर का दास बन गयो तो मृत्यु भी दूर भागवे, यानी मृत्यु का भी साहस नहीं को उस भक्त के ऊपर उस अपना अधिकार जमा सके। भक्त मृत्यु के अधिकार से ऊपर चला जाता है, एक लोक मर्यादा होने के नाते वह स्वेच्छा से मृत्यु को अंगीकार करता है, क्योंकि मृत्यु का साहस नहीं कि भक्त को अपने अधिकार में ले सके। ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, विमान आ गया, सशरीर विमान पर आरूढ़ होना चाह रहे हैं, मृत्यु देवी आ गई कि महाराज ये मृत्यु लोक है, मृत्यु को अंगीकार किए बिना नहीं जा सकते। बोले यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा सा विमान ऊंचा था क्योंकि अलौकिक वस्तु लौकिक जगत का स्पर्श नहीं करते। बैठ के बाकी टांट पर पांव रखे और विमान पर आरूढ़ हो गए। मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा, यह भक्ति की शक्ति को बताया, यानी भक्त तो मृत्यु की टांट पे पांव रखे जावे। भारता जी में कथा आवे, मैया गोपाल जी की बड़े प्यार से सेवा करती थी। एक अन्य वृद्धा मैया की कथा आवे, बड़े प्यार से सेवा करती थी, दिन रात गोपाल जी की सेवा में इतनी तन्मय रहती थी कि कब रात भई कब दिन भयो उनको कुछ पता ही नहीं रहता था। समय पूरा हो गया, मृत्यु काल आया, तो मृत्यु आई, अब मृत्यु का साहस कैसे पड़े, क्योंकि इतनी वैष्णव भक्ता वो मैया, उनको कैसे ले जाए। स्वयं धर्मराज आए और धीरे से बोले मैया से, मैया आपका समय हो गया है, चल। बोले चल चल, अभी समय ना है, मैं गोपाल जी की सेवा करनी है। धर्मराज को फटकार के भगा दियो। अब धर्मराज चले गए, फिर कुछ दिन बाद आए, बोले मैया समय है गया है। बोले अभी मुँह पे समय ना, तू यहाँ से चलो जा, अभी मैं अपने गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। इतनी तन में कि धर्मराज को, यमराज को मृत्यु ये क्या चीज है, फटकार के भगा दियो। तो धर्मराज पहुँचे ठाकुर जी के पास में, बोले प्रभु वो एक वृद्धा मैया है और उनका प्रारब्ध पूर्ण हो गया है, मृत्यु काल है, लेकिन हमारा साहस तो नहीं बढ़ पाता, लेकिन हम जाते हैं तो हमको ऐसे ही टरका के भगा दें कि चल चल अभी हम पे समय ना है। ठाकुर जी ने कही देख हमारी मैया ते मत बोलियो, वो हमारी मैया हैं और वह अपनी स्वेच्छा से आएंगी, वहां मृत्यु का अधिकार नहीं, वहां मत जाना बिल्कुल, वो जब तक वहां रहना चाहें तब तक रहें, वह स्वेच्छा से आएंगी, वह तुम्हारे अधिकार में नहीं है, दूसरी जगह अपनी व्यवस्था देखो। कालांतर में वह मैया अधिक वृद्ध हो गई, जब गोपाल जी की सेवा में अपने आप को असमर्थ देखो, तो मैया गोसाई जी के समीप में आई और गोसाई जी से कही, गोसाई जी अब मैं चाहूँ गोपाल जी की सेवा आपके यहाँ होवे, मेरा शरीर भी अशक्त है गए, अब मैं तो गोपाल जी के धाम को जाना चाहूँ। तो ठाकुर के पार्षद तुरंत आ गए और मैया को सशरीर अपने धाम को ले गए। तो श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। दास दास्य स्वीकार कर लिया ठाकुर का, सर्व कर्मार्पण उनको कर दिया, तो प्रारब्ध अप्रारब्ध ये तो छोटी चीजें हैं, मृत्यु भी उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दास्यम यानी सर्व कर्मार्पणम, आगे सख्यम यानी ठाकुर के प्रति विश्वास, सख्य भाव से ठाकुर का अर्चन करना, और आत्मनिवेदन यानी अपने आप को उनके समर्पित कर देना। यह नवदा भक्ति का निरूपण श्री प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद में किया। जय श्री राधे।